Hey guys, what's up everybody? It's me Shan and welcome back to my new video. तो भाई इस वीडियो में आप लोग ऐसी पांच हेयर वैक्सेस बताने वाला हूं जो अभी मेरे हिसाब से बेस्ट हेयर वैक्स है इन 2021 में एंड जो सारे बजट फ्रेंडली है लाइक 200 से लेके 350 तक आपका बजट है तो इसमें जो भी मैं पांच हेयर प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उनमें से सारे आपको मिल जाएगा 350 के अंदर। तो आप लोग एक स्टूडेंट हो एंड आप लोगों का बजट थोड़ा कम है एंड आप लोग चाहते हो अपने हेयर को बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल करना तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो भाई ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना अगर चाहते हो अपने हेयर को अच्छे से स्टाइल करना। तो भाई एक बात मैं पहले ही बता दूँ, देखो भाई प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो कितना भी अच्छा हो अगर आपको अच्छे से हेयर स्टाइल करना नहीं आता है, अच्छे से अपने हेयर को सेट करना नहीं आता है तो भाई आप लोग नहीं कर सकते हो। मतलब प्रोडक्ट कितना भी आपको होल्ड दे दे कुछ भी दे दे बट आप लोग अपने हेयर को ठीक से सेट करना पहले सीखना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो डाल के रखा है कि आपको हेयर कट कैसे करना है। मतलब आप जब नहा के निकलते हो मतलब आपका हेयर जब बहुत ज़्यादा गीला रहता है उसके बाद से क्या क्या करना है देन आपका हेयर स्टाइल बहुत अमेजिंग आप लोग कर सकते हो। मैंने फुल्ली स्टेप बाय स्टेप वीडियो डाल के रखा है मेरे चैनल पर, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ भाई देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो भाई इस वीडियो में जो 5 हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट मैं दिखाने वाला हूँ तो वो मैं टॉप 5 से टॉप 1 तक आऊंगा। मतलब फर्स्ट जो मैं दिखाऊंगा वो टॉप 5 रहेगा देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। तो गाइस नंबर 5 पे मैंने जिस हेयर वैक्स को रखा जो है ये अर्बन गबरू का रेबेल क्ले हेयर वैक्स, यानी कि ये क्ले एंड वैक्स का मिक्सचर है तो इन लोगों का कहना है। तो ये जो है एक रीस्टाइलेबल प्रोडक्ट है, इन लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है तो एक्चुअली ये सच में रीस्टाइलेबल प्रोडक्ट है। मैंने इसको बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड ये जो प्रोडक्ट है ये एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब ओनली वाटर से निकल जाता है हेयर से। बट इसको मैंने क्यों रखा है नंबर 5 में, क्योंकि इसका जो स्मेल है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। मतलब डब्बा जब भी ओपन करता हूँ तो एकदम स्मेल बाहर आ जाते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। आप इसको हेयर पे लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा डीओ भी लगा लेंगे अपने कॉस्ट्यूम के ऊपर अपने ड्रेस के ऊपर फिर भी हेयर का स्मेल ही ज़्यादा आएगा डीओ से भी, क्योंकि इसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड गाइस इससे आप लोगों को मीडियम शाइन मिलेगा, ज़्यादा शाइन भी नहीं मैट भी नहीं नॉर्मल लगता है। तो नेक्स्ट इसका प्राइस जो है वो है 350 रुपीज़, अमेजोन पे अभी अवेलेबल है डिस्काउंटेड प्राइस जो है 350 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम्स। तो ये गया नंबर 5। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की। इस नंबर 4 पे मैंने जिस हेयर वैक्स को रखा है वो है ये स्वास्क्रॉफ्ट का टाफ्ट हेयर वैक्स जो कि लिखा हुआ है ऊपर पावर वैक्स, बट ये पावर किस बारे में लिखा है पता नहीं बट इससे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसको मैंने बहुत दिन से यूज़ किया है बट इसका होल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल मीडियम होल्ड है। एंड ये भी एक रीस्टाइलेबल प्रोडक्ट है, आप एक बार हेयर स्टाइल करके बाहर गए फिर मतलब हेयर इधर उधर हो सकता है फिर आप हाथ से ऐसे हेयर सेट कर सकते हो क्योंकि ये बार बार रीस्टाइल हो जाता है। एंड मैं जितने भी प्रोडक्ट इस वीडियो में दिखाऊंगा सारे प्रोडक्ट रीस्टाइलेबल है। स्वास्क्रॉफ जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, तो ये जो है मेड इन जर्मनी है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी प्रोडक्ट दिखाऊंगा सब मेड इन इंडिया है बट ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन जर्मनी है। तो इसका जो क्वांटिटी है वो है 75 ml एंड इसका प्राइस है 255 जो अभी अमेजोन पे मिल रहा है 255 में, तो काफ़ी सस्ता है। एंड आप लोगों को ज़्यादा वो एकदम कड़क वाला होल्ड नहीं चाहिए तो भाई ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप लोगों को परचेस करना है तो आप लोग कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। तो ये गया नंबर 4। तो गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 हेयर प्रोडक्ट के बारे में। तो नंबर 3 पे मैंने जिस हेयर वैक्स को रखा है वो है ये बियर्डो का हेयर वैक्स। गाइस इसका क्वांटिटी 100 ग्राम्स फॉर 320 रुपीज़ जो मैंने अमेजोन से लिया था, शायद अभी थोड़ा बढ़ भी सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है बट मैंने जब लिया था ये 320 का लिया था। ये जो वैक्स है एक ट्रांसपेरेंट टाइप का हेयर वैक्स है, मतलब क्रिस्टल वैक्स ऊपर लिखा ही हुआ है एंड ऊपर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड। गाइस ये सच में एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करता है। गाइस आप लोगों को एक अच्छा बहुत ही होल्ड हेयर स्टाइल करना है तो भाई ये हेयर वैक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों को बहुत अच्छा होल्ड प्रोवाइड करेगा एंड आप लोगों के हेयर पे अच्छा स्मेल भी देगा। कि इससे हेयर को रीस्टाइल करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब आप लोग एक बार हेयर को एकदम सेट करके बाहर जाएंगे तो हेयर इधर उधर चला जाएगा फिर आप अपने बाइक की लुकिंग ग्लास पे देख के अपने हेयर को ऐसे ऐसे सेट करेंगे तो नहीं होगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है हेयर को रीस्टाइल करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं अपने हेयर को एंड आप रीस्टाइल करने जाएंगे तो हेयर एकदम बर्बाद हो जाता है।
तो इसीलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। तो आप लोगों को अपने हेयर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेट करना है तो भाई ये प्रोडक्ट आप लोग परचेस कर सकते हो। अगेन इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो गाइस ये गया नंबर 3। तो भाई आप बात करते हैं नंबर 2 हेयर वैक्स के बारे में। तो भाई नंबर 2 पे मैंने जिस हेयर वैक्स को रखा है वो है ये उस्त्रा का हेयर वैक्स। कैसे उस्त्रा का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड वेट लुक हेयर वैक्स है, जो भाई इसका क्वांटिटी है 100 ग्राम्स एंड इसका प्राइस है 350 रुपीज, जो कि अर्बन गब्रू की रेवेल हेयर वैक्स के एकदम सेम ही है। ये आप लोगों को एक वेट लुक देगा एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा, बट इससे जब मैंने अपने हेयर को स्टाइल किया है तब ये इतना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं देता है, बट लुक्स जो है वेट देता है। एंड ये एक नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट, मतलब आप लोग दूसरे हेयर वैक्स को ट्राई करने के बाद देखने कि अपना हेयर जो है बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, मतलब सभी नहीं कुछ कुछ हेयर वैक्स में होता है, बट ये जो हेयर वैक्स है इससे आप लोगों का हेयर बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया बहुत बार तो इससे ग्रीजी नहीं होता है हेयर। एंड इससे अपने हेयर को रीस्टाइल करने में बहुत आसान रहता है, क्योंकि हेयर सॉफ्ट रहता है एंड आपको मतलब अपने हाथ से अच्छे से लोग हेयर को सेट कर सकते हो। तो भाई अंदर देखते कैसे, अंदर जो है एक क्रीम टाइप का है एंड सॉफ्ट, एकदम क्रीमी सॉफ्ट जो है इसका वैक्स है। एंड गाइस इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, इन लोगों ने इस पर बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस यूज किया है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो आप लोग इसको परचेस करना है तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हो। तो भाई ये गया नंबर 2। तो भाई आप बात करते हैं नंबर 1 हेयर वैक्स के बारे में, जो मेरे हिसाब से अभी नंबर 1 है। भाई नंबर 1 मतलब इस बजट में, आप लोगों का बजट 200 से 300 350 तक है, तो भाई इस बजट में जो मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है वो है ये मैन कंपनी का ब्राउन हेयर वैक्स। इसका कंटेनर बहुत छोटा है, 50 ग्राम्स का पैक आता है एंड इसका प्राइस भी बहुत कम है, 224 रुपीज़। मतलब उस हिसाब से देखें तो ये थोड़ा महंगा है, मतलब इसका 50 ग्राम से और जो मैंने अभी अभी दिखाया उस तरह या फिर अर्बन गब्रू का वो 100 ग्राम्स का आता है 350 में, बट ये 224 में आता है 50 ग्राम्स का, मतलब आप लोग 100 ग्राम्स का मान लो 448। तो उस हिसाब से देखें तो ये थोड़ा महंगा है, बट प्राइस के साथ साथ इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। वैसे आप लोग अंदर देख सकते हो ये प्रोडक्ट जो है एकदम बियर्डो की जो वैक्स दिखाया मैंने क्रिस्टल वैक्स उसकी टाइप का ही है, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का क्रिस्टल वैक्स टाइप का ही है, बट इसका जो स्मेल है भाई बहुत अच्छा है एंड इससे जो होल्ड मिलता है आई लव, मतलब बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं बट नॉर्मल होल्ड भी नहीं, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर बहुत हार्ड से थोड़ा नीचे, एकदम परफेक्ट होल्ड जो एक्चुअली सबको चाहिए होता है अपने हेयर को अच्छे से सेट करने के। लाइक मैं अभी यूज़ भी किया हुआ हूँ, वो देख सकते हो आप, एकदम हेयर सेट रहता है बट मैं हाथ से इसको रीस्टाइल भी कर सकता हूँ, बट हेयर जो एकदम सेट है। तो इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा एंड इससे जो है आप लोगों को ज़्यादा शाइन नहीं मिलेगा हेयर पे, थोड़ा मैट प्रोडक्ट है ये, मतलब ये आप लोगों को मैट लुक देगा। तो मुझे उतना शाइनी लुक ज़्यादा पसंद नहीं आता, मतलब शाइनी लुक्स पार्टी वगैरह के लिए सही है बट मुझे ज़्यादा मैट लुक ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है एंड इसका स्मेल बहुत मुझे पसंद आया है, तो इस हिसाब से मैंने इसको एक नंबर पर रखा है। एंड इस प्रोडक्ट को नंबर 1 पर रखने का और एक रीज़न है, वो है इसमें है आलमंड ऑयल एंड ऑर्गन ऑयल। एंड गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये SLS सिलिकॉन एंड पैराबिन फ्री है, तो इसीलिए मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा एंड इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। एंड गाइस आप लोग स्टूडेंट हो तो भाई आप लोग तो 224 रुपीज़ फॉर ए हेयर वैक्स खर्च कर ही सकते हो। तो यही था 5 हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यानी कि 5 हेयर वैक्स जो अभी इंडिया के अंदर 2021 में मुझे बेस्ट लगा है, टॉप 5 लगा है एंड सारे जो है पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। एंड यही 5 नहीं, और भी मैंने बहुत सारे वैक्स यूज़ किया है जिसमें से मुझे ये 5 बेस्ट लगा, तो इसलिए मैंने ये 5 आप लोगों को रिकमेंड किया है। गाइस मैं बहुत सारा हेयर प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ अपने हेयर पे, क्योंकि मुझे रिव्यू करना पड़ता है ना, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को रिव्यू देता हूँ कि कौन सा बेटर है, कौन सा आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। एंड गाइस एक चीज़ मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ कि गाइस जितना भी महंगा प्रोडक्ट हो, जितना भी होल्ड हो, जो भी हो, आप लोगों को अच्छे से हेयर स्टाइल करना नहीं आता है तो भाई आप लोग नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट जो भी मिल जाए। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग अपने हेयर स्टाइलिंग स्किल को थोड़ा इंप्रूव कीजिए, तो इसलिए मैंने पहले वीडियो डाल चुका हूँ कि आप लोगों को हेयर कट कैसे करना चाहिए एंड हेयर को कैसे सेट करना चाहिए, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला है, तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। एंड मैंने इस वीडियो में जो भी हेयर वैक्सेस दिखाया सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। एंड मुझसे कुछ भी बात करना है तो मेरा फेसबुक
एंड इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे बात कर सकते हो कुछ भी बोलना है तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।